हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस कंप्यूटर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर जो है वो प्रश्न पढ़ाऊंगा, उसके साथ जो अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा बनती हैं तो वो मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाता जाता हूं तो आप लोगों को वो बोरिंग लगता है और आप उसमें से समझ नहीं पाते। तो कम से कम यहाँ पे आप लोगों को मैं प्रश्न अगर बताऊंगा तो आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर कम से कम पता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज के बाद आप लोगों को प्रश्न पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न देख लीजिए, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगी। यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि हार्ड कॉपी क्या होती है। तो सॉफ्ट कॉपी जो होती है, जैसे आप अगर कंप्यूटर में अगर कुछ लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर PDF बना रहे हैं किसी भी टॉपिक का, तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी हो जाता है। अगर उसी चीज को हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा, यही पूछ रहा है कि वो आउटपुट अगर हम ले लेते हैं उसका और वो हार्ड कॉपी बन जाता है। हार्ड कॉपी मतलब उसको हम टच कर सकते हैं, उस कॉपी को, जैसे इस पेपर को हम टच कर सकते हैं उसी तरीके से वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम प्रिंटेड आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। जैसे कि आपको पता है कि CTET अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपका कंप्यूटर का कुछ पार्ट आता है, तो उसमें भी ये प्रश्न आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कंप्यूटर में दो प्रकार की होती है मेमोरी। पहले को कहते हैं हम प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्रारंभिक स्मृति। यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्रारंभिक स्मृति, ठीक। इसके दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक स्मृति, ठीक। ये होता है प्राइमरी मेमोरी, ये होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उसको वो कौन सी होती है, तो उसमें मैं बता दूं कि वो आपकी प्रारंभिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे रैम होता है ऑप्शन में अगर आपको दिख गया, रोम हो गया, ये सारी चीजें आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, आप पेन ड्राइव देखे होंगे, पेन ड्राइव जो होता है वो आपका, लिख देते हैं यहाँ पे पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी में आता है। उसके बाद आपका फ्लॉपी पहले चलता था, अब तो कम चलता है, फ्लॉपी डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी में आता था, या फिर आप कह दें हार्ड डिस्क, जो आप बाहर से अगर कोई चीज लगा सकते हैं उसमें कंप्यूटर में मेमोरी डाटा स्टोर करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम हार्ड डिस्क, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो अब मैं इसी तरीके से आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा कि मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं उससे रिलेटेड जितनी चीजें बन के निकलती हैं वो सारी चीजें यहां पे मैं बताता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। यहां पे हमने देख लिया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल देख लिया और सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल देख लिया यहाँ पे हमने। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे ये क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 1976, परंतु अगर ऑप्शन में 1976 नहीं है और 1964 दिख रहा है आपको, तो 1964 इसका आंसर होगा। क्योंकि आप अगर गूगल पे देखेंगे तो कहीं भी अच्छी वेबसाइट पे देखेंगे, चाहे विकिपीडिया पे देख लें, चाहे जिस पे जहां पे आपको डाटा 100% पता है कि सही होता है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि 1964 में पहला सुपर कंप्यूटर बनके तैयार हो गया था जिसका नाम था
CDC6600। इसका फुल फॉर्म होता है CDC का कंट्रोल डेटा कॉप। CDC का फुल फॉर्म है ये। परंतु अगर आप लोगों को 1964 नहीं दिखता है ऑप्शन में, विकल्प में 1976 दिखता है, तो आप 1976 लगाइएगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, परंतु मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे। अगर 1964 है, 1976 नहीं है, तो 1964 सही है इसका आंसर। पहला सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया था 1964 में। परंतु अगर ऑप्शन में आपको 1964 नहीं दिखता है, 1976 दिखता है, तो 1976 लगाइएगा। अगर दोनों दिखते हैं तब आप 1964 लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको वेरीफाई कर दिया है कि आपका पहला सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया था, और ये जो काम करता था वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डाटा की गणना करता था पर सेकंड। इतने लाख डाटा की गणना करता था 1 सेकंड के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे मैं बता दूं कि आप इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में मैंने बताया था। तो इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। शायद मैंने अभी लास्ट वीडियो में इसको अलग यहाँ पे गलती से लिख दिया था मैंने 10,000, लेकिन परम आपका जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो 8,000 है। इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। और ये भारत में बना था 1991 में, ठीक। और जो कंप्यूटर की स्पीड को हम नापते हैं, ये जो मैंने बताया कि 10 लाख डाटा पर सेकंड कैलकुलेट करता है, तो इसको कैसे नापते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसको नापने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्लॉप का। फ्लॉप, इतने फ्लॉप स्पीड है इसकी। तो जो भारत की जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है, सबसे तेज जो भारत का सबसे कम सुपर कंप्यूटर है, यहाँ पे मैं आपको किनारे लिख के दिखा देता हूँ उसको भी। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है प्रत्युष, ठीक। प्रत्युष जो 2018 में बना था भारत में, और ये पुणे में बना था, पुणे में, ठीक। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे पता चल गया। और इसके बाद मैं ये चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो भारत का प्रत्युष है, ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो ब्रिटेन के पास है। दूसरे नंबर का जो सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज, वो जापान के पास है। तीसरे नंबर का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, वो अमेरिका के पास है। अब इन तीनों देशों के बाद भारत का नंबर आता है जिसका नाम है प्रत्युष। चीन और बाकी सारे जो देश अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, उनके पास भी भारत के जैसा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आप चौथा प्रश्न। यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लीजिए, डिफरेंस इंजन नामक मशीन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको डिफरेंस इंजन के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर दे लेंगे। अगर नहीं देखे आप पहली वीडियो, तो प्लीज पहली वीडियो जाके देखिए, जिसमें मैंने कंप्यूटर के सभी बेसिक्स को बताया है। और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, ऊपर की तरफ यहाँ पे आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर वहां पे नहीं क्लिक करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं फर्स्ट पार्ट करके दे दूंगा कंप्यूटर के बेसिक्स के, उस पर क्लिक करके लिंक देख सकते हैं आप वीडियो को। तो यहाँ पे डिफरेंस इंजन नामक मशीन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बैबेज जी ने किया था। और इन्होंने किया था ये 1822 में, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो बाद में चल के कंप्यूटर को बनाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ था। आविष्कार देख लेते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा। परंतु यहाँ पे मैं इसलिए ऐसे प्रश्न को रख रहा हूँ, कुछ सिंपल सिंपल प्रश्न, क्योंकि आप सुपर टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपसे कंप्यूटर से बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि आप हार्ड पढ़ते जाएं और सिंपल जो क्वेश्चन है उसको पढ़े ही ना छोड़ दें। तो दोनों सब प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं हमको, सरल भी पढ़ना है, कठिन भी पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का ये मैंने वीडियो बना दिया कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों का, तो ये आखिरी वीडियो है इसका। मैं आगे फ्यूचर में ऐसे वीडियोज और लाता रहूंगा, हर टॉपिक से कुछ न कुछ नए प्रश्न बनाता रहूंगा और आपके सामने लाता रहूंगा। तो सभी को पता है कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, संगणक किसका नाम है, तो बेसिक ये है। उसके छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सुपर टेट के लिए, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को।
अब देखते हैं हम सातवां प्रश्न। निम्न में कौन सा इनपुट इकाई है? आपको बताना है कि इनपुट इकाई इन चारों में, तीनों में से, यहाँ पे चौथा तो इनमें से सभी है, इन तीनों में से इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट इकाई कौन सा है? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है कि इनमें से सभी है? तो दोस्तों आप माउस के बारे में पता है कि आप माउस से कुछ ना कुछ क्लिक करके डाटा को इधर से उधर करते हैं या फिर डाटा को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका जिस चीज से हम डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई सूचना देते हैं कंप्यूटर को, तो वो होता है इनपुट डिवाइस। अब कीबोर्ड भी वही काम करता है, कीबोर्ड से हम कुछ लिखते हैं और कोई सूचना कंप्यूटर के अंदर देते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर क्या होता है? किसी भी आपके पास कोई भी डाटा है, हार्ड कॉपी, जैसे ये पेपर है, इसको हम किसी एक स्कैनर होता है उसमें रख देंगे तो ये स्कैन करके आपके कंप्यूटर के अंदर लेके चला जाएगा, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी, हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। अब ये था सातवां प्रश्न, उसके बाद देखते हैं हम आठवां प्रश्न। आपके लिए आठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में और इससे इस टाइप से प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक किलोबाइट यानी कि केबी, आपने देखा होगा कि एक केबी डाटा है, एक एमबी डाटा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एक किलोबाइट कितने बाइट से के बराबर होता है यानी कि कितने बाइट से मिलके बना होता है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में सारी चीजें आपको बताई थी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, सारी चीजों के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि एक केबी में होता है 1024 बाइट्स। ये था आठवां प्रश्न। अब दोस्तों चलते हैं अपने नौवें प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, नौवां प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना में बदलता है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन प्रोसेसर, दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस और चौथा है प्रोग्राम। तो एक ऐसा हार्डवेयर होता है सब एक कंप्यूटर में जो कि आप कोई भी चीज देते हैं कंप्यूटर को तो वो उसको बदल के एक मुख्य रूप से सूचना में प्रदर्शित करता है, बदल देता है सूचना में। वो जैसे 2+2 हमने क्लिक किया कीबोर्ड से तो वो 2+2 4 करके आपको दिखा देगा। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो उसको बदलता है? तो यहाँ पे दोस्तों ये काम करता है प्रोसेसर। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा नौवां प्रश्न। इनपुट डिवाइस से हम डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं, आउटपुट डिवाइस से डेटा को हम देखते हैं, जब ये प्रोसेस कर देता है डाटा को तो हमको ये दिखा देता है तो आउटपुट डिवाइस होता है, और प्रोग्राम से हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के काम करते हैं। अब देखते हैं हम दसवां प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो प्रथम गणना यंत्र है वो चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। बिल्कुल, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अबेकस। अब अबेकस कब बना था? तो अबेकस को चीन ने बनाया था, चीन के लोगों ने 5000 वर्ष पहले चीन के लोगों ने अबेकस बनाया था गणना करने के लिए। तो इस चीज को हम गणना करने का यंत्र, सबसे पहला यंत्र मानते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, 11वां प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ऑफिसों में यूज करते हैं, कॉलेजों में यूज करते हैं, किसी लैब में जाके यूज करते हैं, तो उस वो कौन से टाइप का कंप्यूटर होता है इस चारों में से आपको बताना है। तो दोस्तों 11वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। इस चीज का हम यूज लगभग जहां भी हम लोग आसपास देखते होंगे वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है और सस्ता होने के साथ साथ सारे काम हमारे कर देता है जो हम लोग को जनरल वे में जरूरत पड़ती है सारी चीजों की। अब हमको सूचना, नॉर्मल सूचना ही देखनी होती है, नॉर्मल चीजें करनी होती है, ऐसा तो है नहीं कि हमको मौसम का हाल देखना है तो हमको सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं आपको जो हाई लेवल के, तो ऐसा कुछ काम नहीं करना होता, इसलिए हम लोग सस्ता चीज खरीदते हैं। ये आपका अधिक से अधिक 15,000 से 20,000 के आस रेंज में स्टार्ट हो जाता है मिलना, और आपका मैक्सिमम तो अगर लेंगे एप्पल का लेंगे अगर लेने जाएंगे मैकबुक तो वो 1.5-2 लाख का भी मिलेगा, बट नॉर्मल अगर लोग लेते हैं तो वो आपका 10-15 हजार के बीच में मिल जाता है डिजिटल कंप्यूटर, इसलिए चारों तरफ यही देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा कौन सा है। 12वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है, दिया है आपसे कि भारत में निर्मित कंप्यूटर का, प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो कंप्यूटर सबसे पहले बना था उसका क्या नाम है, आर्यभट्ट है, सिद्धार्थ है, परम है या फिर प्रत्युष है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ ना कि सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भारत में निर्मित जो कंप्यूटर है प्रथम, उसका नाम है
सिद्धार्थ। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सिद्धार्थ कब बना था? ये बना था 1986 में। अगर आपसे हम पूछ लेते हैं यहाँ पे कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था परम 8000, जो कि बना था 1991 में। ये इसको किसने बनाया था? सी डेक ने। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने। अब इसके बाद हम देखते हैं 13वां प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, 13वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये काफी टाइम्स पूछा जा चुका है, और ऐसा नहीं कि सुपर टेट में ही पूछा जा चुका है आपके, और अगर आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज पूछी जा चुकी है, ये प्रश्न। तो इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको मैं समझाता हूँ कैसे क्या है। इसमें पूछा है निम्न में से सबसे तेज कौन सा है। आपको यहाँ पे कुछ मेमोरीज के बारे में दे दिया गया है, चार मेमोरी दे दी गई है, और आपको आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे तेज कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है रजिस्टर। सबसे तेज जो इन चारों में से है, सबसे तेज रजिस्टर काम करता है। अब रजिस्टर क्या होता है, सीडी रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, कैच क्या होता है। तो जो मुख्य मेमोरी होता है कंप्यूटर का, वो तो होता है आपका रैम। ठीक, परंतु रैम से पहले बार बार वो कंप्यूटर जो आपका है वो बार बार रैम को डिस्टर्ब ना करके, सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज पूछते हैं कंप्यूटर से, तो वो रजिस्टर चेक करता है। कंप्यूटर जैसे आप ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे आपको डेट और टाइम, ये सारी चीजें डेली सेट नहीं करनी होती, तो वो जो चीजें होती है वो रजिस्टर करता है। आप कंप्यूटर ऑन करते ही देखेंगे कि आपका टाइम और डेट तुरंत आ जाता है लेफ्ट साइड नीचे, राइट साइड नीचे, उसको आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता या फिर बदलना नहीं पड़ता। सबसे पहले यही चीज स्क्रीन पे आती है। उसके बाद आता है आपका रैम। रैम आपका कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है। आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे आप 2+2 कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुरंत जाएगा रैम में, स्टोर हो जाएगा कि यहाँ पे 2+2 4 है। परंतु यहाँ पे ये इसकी ये कमी है कि अगर यहाँ पे लाइट चली गई ना, तो यहाँ पे 2+2 आपका तुरंत खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। और उसके बाद रजिस्टर भी आपका है, इसमें खास बात इसकी है कि ये तेज होती है, परंतु इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम डाटा स्टोर कर पाता है। अब यहाँ पे जो रैम रजिस्टर का कंपेयर होता है वो कैच मेमोरी से होता है, कि रजिस्टर तेज है या फिर कैच मेमोरी तेज है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आंसर तो रजिस्टर है सबसे तेज, परंतु उसके बाद जो आता है नंबर कैच मेमोरी का आता है। कैच मेमोरी क्या होता है? कैच मेमोरी होता है कि ये आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, सारा काम जो करते हैं आप, वो आपका स्टोर करता रहता है। यहाँ पे एक फाइल बनाता है, टेक्स्ट फाइल, इसको कहते हैं कैच फाइल, CACHE कैच फाइल। कैच फाइल बनाता है तो उसमें सारी चीजें आपका स्टोर करता रहता है। जब आप दोबारा वो चीज जैसे 2+2 किए, इसमें जाके स्टोर हो गया कि 2+2 = 4। तो अब दोबारा जब कुछ 2+2 अब कंप्यूटर से पूछेंगे करके, तो यहाँ पे ना जाके रैम के पास, यहाँ पहले जाएगा कि यहाँ पे देखें 2+2 है कि नहीं कुछ ऐसा चीज। अगर 2+2 उसको यहाँ पे ही दिख गया तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहीं से आपको आंसर दे देगा। जब यहाँ पे नहीं जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ, ये रैम है, ये कैच मेमोरी है, और ये आप हैं। आप पूछ रहे हैं कोई चीज, वो यहां से ले रहे हैं या फिर यहां से ले रहे हैं। तो अगर यहां से लेंगे तो पहले वो यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां से आपको देगा रिटर्न। लेकिन अगर वो यहां पे कैच मेमोरी में है तो आपको यहीं पे जाएगा और रिटर्न तुरंत आ जाएगा। तो आपका ये थोड़ा फास्ट हो जाता है देन आपके रैम से। तो ये होता है आपका कैच मेमोरी, आपके प्रीवियस कामों को वो स्टोर करता रहता है और उसी के हिसाब से आपको आगे रिजल्ट देता है। अब आता है हमारा 14वां प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा ये क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक करते जाइएगा वीडियो को। अब यहाँ पे है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि सभी कई तरीके के की होते हैं, कुछ फंक्शन की होते हैं, कुछ आपके कैलकुलेशन वाले की होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल की होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं कुछ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, मतलब कितने फंक्शन की होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने कीबोर्ड को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा होता है F1, F2, F3, ये आपका इसी तरीके सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा रहता है, ये जाता है आपका F12 तक। और यहाँ पे फंक्शन की मतलब कि इस की का कुछ अलग स्पेशल काम है, इस की का कुछ अलग काम है, इस की का कुछ अलग काम है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस की से, जैसे अगर आप F6 का, यहाँ पे मैं मानता हूँ F6 से आप अगर URL आपका ओपन है, अगर आप कोई वेब ब्राउजर खोले वहां पे इस तरीके से रहता है। यहाँ पे आप जब www लिखते हैं तो www अगर लिखने के लिए यहाँ खाली जगह, माउस आपका यहाँ पे ऐसे पॉइंटर बना हुआ है, तो
तो यहाँ पे अगर F6 क्लिक कर देंगे ना तो सीधे यहाँ पे का जो ये पॉइंटर बना है इसमें आपका हाईलाइट करने लगेगा और बिना आप माउस टच किए इसमें लिख सकते हैं। इसी तरीके से सबका अलग अलग, किसी का काम होता है डिबगिंग का काम होता है, किसी का आपका यहाँ पे F2 का काम होता है, जैसे आपका फाइल का नाम है रोशन, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करके माउस से जाएंगे रीनेम करने के लिए, परंतु इस पे क्लिक करके आप F2 दबा देंगे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको रोशन की जगह पे रोशन की CLA रोशन की क्लास कर देंगे तुरंत। इस तरीके से सभी का काम अलग अलग होता है और इसमें 12 की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं अपना 15वां प्रश्न, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, इसमें आपको बताना है। सभी प्रिंटर के प्रकार हैं, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डॉट प्रिंटर, इसमें आपको बताना है सबसे तेज कौन सा प्रिंटर काम करता है। तो दोस्तों अब टाइम बर्बाद न करते हुए यहाँ पे मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका लेजर प्रिंटर, ये काफी तेज काम करता है। आप लोग देखे होंगे दुकान में ये छोटे छोटे, पहले बड़े बड़े बक्से आते थे, अब छोटे छोटे ही आते हैं, उसी पे काम हो जाता है सारा चीज जो बड़े वाले पे होता था, और ये बड़े वाले से सस्ता भी पड़ता है और तेज भी काम करता है, इसलिए ये आपका सबसे तेज प्रिंटर कहलाता है। थर्मल प्रिंटर, यहाँ पे मैं बता दूं थर्मल प्रिंटर वो होता है, जैसे कि आप जाते होंगे कोई सामान खरीदते हैं किसी मॉल में, तो वहां पे उनके पास हाथ में एक स्कैनर टाइप का देखे होंगे, तो वो एक तरीके का प्रिंटर ही रहता है थर्मल प्रिंटर, जो आपके बार कोड इस तरीके से लिखा रहता है ना आपके किसी भी सामान के ऊपर इस तरीके से कुछ, तो उसको स्कैन करने के लिए काम हमारा करता है थर्मल प्रिंटर। डॉट प्रिंटर क्या होता है, ये आपके पहले की मशीन जो आती थी उसमें देखते होंगे आप, अभी भी आप जाते होंगे अगर कभी गए हैं कचहरी, तो वहां पे आपको टाइप कराने के लिए जाते होंगे, तो वहां पे इस तरीके से क्लिक करते करते प्रिंट करता है कुछ वहां पे, तो वो होता है आपका डॉट प्रिंटर, जो कि टच करते जाता है इस तरीके से और प्रिंट करते जाता है। और एक होता है जेट प्रिंटर, जो कि आपका स्याही गिराता है, स्याही गिरा के प्रिंट करता है। तो ये सारी चीजें थी आपके सर्वाधिक तेज प्रिंटर के बारे में मैंने बता दिया। अब आता है 16वां प्रश्न, मॉनिटर में जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है, जो ये मान लीजिए कि इस तरीके से डिस्प्ले स्क्रीन है ना मॉनिटर का, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे नापा जाता है, कि 32 इंच का है कि 16 इंच का है कि 14 इंच का है, ये जो आप सब लोग बोलते हैं कि 14 इंच का या 16 इंच का कंप्यूटर खरीद लिया, तो उसको नापा कैसे जाता है, कि 14 इंच इस तरीके से नापा जाता है, 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 किस तरीके से, हॉरिजॉन्टली मतलब कि इस तरीके से, वर्टिकली मतलब इस तरीके से, डायगोनली मतलब यहां से लेके यहां तक, जिगजैग मतलब किसी भी तरीके से, इस तरीके से, किस तरीके से आप बता, यहाँ पे पूछा है आपसे कि किस तरीके से इसका आकार मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, उसका जो आकार होता है वो डायगोनली नापा जाता है, यहां से लेके यहां तक का जो दूरी होता है किनारे से किनारे तक का, इस तरीके से नापा जाता है इसका स्क्रीन, तब उसके बाद पता लगाया जाता है कि 14 इंच का है कि 16 इंच का है या फिर 32 इंच का है। अब चलते हैं हम दोस्तों 17वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आपका 17वां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका दोस्तों यहाँ पे है डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने बनाया था कंप्यूटर का पहला माउस, और ये इसका निर्माण इन्होंने किया था 1960 में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे, इन्होंने 1960 में पहला माउस कंप्यूटर का माउस बनाया था। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे 18वां प्रश्न, रैम यानी कि इसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार की मेमोरी है, बाहरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, भीतरी मेमोरी है या फिर मुख्य मेमोरी, तो आपको बताना है इसमें से किस प्रकार की मेमोरी है। मैंने अभी आपको पहले दूसरे प्रश्न में बताया था इसके बारे में, रैम के बारे में और कैच के बारे में, सभी चीजों के बारे में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कंप्यूटर की किस प्रकार की मेमोरी है। मैंने बताया था कि कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो होती है रैम, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 19वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे डीवीडी सब लोग देखते होंगे उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो डीवीडी का पूरा नाम क्या है इसके बारे में बताना है आपको। तो डीवीडी का यहाँ पे दोस्तों पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अब देर न करते हुए आज का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं, 20वां प्रश्न है, और इसी तरीके के मैं वीडियो लाता रहूंगा, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन समझाने वाले होंगे उससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको मुझे लगेगा कि जरूरी आपको बता दें, और खास तौर से सुपर टेट या फिर सीटेट से रिलेटेड चीजें, तो वो मैं जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 20वां प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे सभी को पता है कि कंप्यूटर में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। अब हार्डवेयर वो होता है, यहाँ पे मैं बता दूं कि हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से होता है ना कंप्यूटर, यहाँ पे कीबोर्ड होता है,
कुछ लिखा होता है इस पे, यहाँ से ये माउस होता है, यहाँ पे सीपीयू होता है, ये तार सीपीयू में जाता है और यहाँ से सीधा जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो होती हैं वो हम छू सकते हैं, तो ये होता है हार्डवेयर। अब हम इसको टच करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से कुछ चीजें यहाँ पे होने लगती हैं। वो किस कोई सॉफ्टवेयर होगा तभी तो होता होगा यहाँ पे। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर से, जैसे मनुष्य है तो वो हार्डवेयर टच तो कर सकता है पर उस पर कुछ काम नहीं कर सकता जब तक उस पर सॉफ्टवेयर ना हो। तो हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के पहले प्रकार मैं बता दूं, मेन दो प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेन बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, आपको और भी प्रकार देखने को मिलेंगे आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे या फिर किसी भी किताब में, परंतु मेन जो प्रकार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी के अंतर्गत बाकी सारी चीजें आती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे कि आप सिस्टम ऑन करते हैं और आपका स्क्रीन सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं ऑन करते ही, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर जैसे हमको सॉन्ग सुनना है तो हमने देखा कि वीएलसी मीडिया प्लेयर हमने इंस्टॉल कर लिया, वो आपका एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करता है। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जो चीजें हैं हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए जो काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ऐसी ढेर सारी वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहूंगा, जिसके लिए आप रोशन की क्लास पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ इस तरीके से आ रहा होगा, इस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, इस पे क्लिक कर दीजिए और साथ में यहाँ पे आएगा, देखेंगे यहाँ पे घंटी में नहीं बना पाऊंगा सही से, तो इस तरीके से घंटी का आइकन आएगा उस पे क्लिक करके आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और रोशन की क्लास को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।